बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक चाइनीज़ डिश लेकर आए हैं। इसका नाम है चिकन मंचूरियन। ये ऑथेंटिक मंचूरियन की रेसिपी नहीं है, हमने एशियन स्टाइल से इसको बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो आइए, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। चिकन मंचूरियन के लिए चिकन ली है मैंने 1/2 kg, और ये देख लीजिए इस तरह से 2 इंच के क्यूब्स में करवा लिया है इसे मैंने। चिकन मंचूरियन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, ये 1.5 कप है टोमेटो केचप, अजीनोमोटो यानी चाइनीज सॉल्ट है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, इसकी जगह आप क्रश रेड चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नमक इसके अंदर लेना है 1 टीस्पून, लेकिन ये हम लास्ट में इसको सब चीज़ों को चखें और फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे। वूस्टरशायर सॉस है 1 टेबलस्पून, चिली सॉस है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून, उसके अलावा ये ग्रेटेड जिंजर है 1 टेबलस्पून, और ग्रेटेड गार्लिक है यानी कि चॉप किया हुआ गार्लिक है, ये भी 1 टेबलस्पून है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो अज्जा चाहिए हैं, 1 कप कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी किया जा सकता है चिकन के ऊपर लगाने के बाद। इसको क्वांटिटी को हम देखेंगे, 1 अंडा जाएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस जाएगा, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, और इस बाउल के अंदर मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, और 1 टीस्पून इसके अंदर अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट है। 1 लेमन का जूस जाएगा इसके अंदर। वेजिटेबल्स जो इसके अंदर यूज हो रही हैं, ग्रीन बेल पेपर है 2, ये मैंने क्यूब्स में काटी है, अनियंस हैं लार्ज साइज की 2 अदद, रेड टोमेटोज हैं 2 अदद लार्ज साइज के, उसके अलावा ये 2 अलग पार्ट्स में करके रखा है मैंने ग्रीन अनियन को, वाइट पार्ट अलग है और ग्रीन पार्ट अलग है, ये सिर्फ 2 मैंने स्टेम्स लिए थे। उसके अलावा ये टमाटर जो काटे हैं उसके बीच का पोर्शन है, इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, सिंपली इसे ग्राइंड करेंगे और ये भी डाल देंगे। अब सबसे पहले हमको चिकन को मैरिनेट करना है, इसके लिए एक बाउल लेके उसके अंदर सबसे पहले चिकन डाल देंगे। चिकन के अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, साथ ही चला जाएगा ये तमाम मसाला, सोया सॉस, साथ में चला जाएगा लेमन जूस, उसके साथ ही इसके अंदर चला जाएगा कॉर्नफ्लोर। कुछ लोग इसके अंदर मैदा भी यूज करते हैं, लेकिन मैंने जब भी मैदा यूज किया है ये हमेशा सॉफ्ट बनते, एकदम क्रिस्पी नहीं बनते। 1 अंडा चला जाएगा इसके अंदर, और अब हाथ से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है तमाम मसालों के साथ। अब इसके बाद इसे कवर करके और मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चिकन को मैरिनेट होते 1 घंटा हो चुका है। अब ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। ऑयल को गरम करके इसके अंदर 1-1 बोटी अलग से उठा उठा के हमको फ्राई करनी है। एक साइड से इसे फ्राई करने के बाद हम 2-2.5 मिनट के बाद इसे पलट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्राई होने के अंदर 4 मिनट लगेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर, ये बहुत क्रिस्पी बनती है।
इसे अब हम एक प्लेट के अंदर पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेते हैं। ऑयल को किसी और बाउल में निकाल के मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अब उसके अंदर सबसे पहले ये गार्लिक और जिंजर जो मैंने चॉप करके रखा था इसे डाल देंगे। इसे हल्का सा सौते करेंगे, थोड़ा सा इसे ब्राउन की तरफ ले आना है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट और अरोमा हो जाता है हमारी चाइनीज डिश में जब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक जो है उसे थोड़ा सा फ्राई करके यूज़ करते हैं। ये डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट। हल्का सा इसे भी मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें सबसे पहले ऐड किया जाएगा टोमेटो पेस्ट। ये टमाटर के बीज और एक टमाटर और लेके मैंने इसको ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना लिया। ये ऐड करेंगे हम। और अब इसके अंदर जाएगा चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, वूस्टरशायर सॉस, अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और बिल्कुल एक चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये मैं बिल्कुल लास्ट में जो है इसको चख के और फिर एडजस्ट करूँगी। शुरू में अगर आप डालेंगे तो ये जो है आपका टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि हमने जो सॉसेस डाले हैं उनमें खुद का नमक मौजूद है और केचप इस्तेमाल करेंगे उसमें भी नमक मौजूद होगा। इसे अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा ये ग्रेवी गाढ़ी होने लगे तो फिर हम इसके अंदर केचप डालेंगे। मसाला अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। अब इसी वक्त इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन। सिर्फ 2 मिनट मैं इसको इस ग्रेवी के साथ पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा जायका इसके अंदर आ जाए चिकन में। साथ ही इसके अंदर मैं 1/2 कप जो है वो पानी का भी ऐड करूंगी। ये चला जाएगा इसके अंदर पानी 1/2 कप। दो मिनट सिर्फ इसको इसके साथ पकने के लिए देंगे। कवर करके सिर्फ इसे 2 मिनट तक पकाना है। चिकन को 2 मिनट हो गए हैं ग्रेवी में बन पकते हुए। अब इस वक्त इसके अंदर मैं तमाम सब्जियां डाल दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। सिर्फ 1 मिनट इसे और दिया जाएगा सब्जियों के साथ पकने के लिए, थोड़ा सा इनका टेस्ट भी आ जाए इसमें। एक चुटकी सॉल्ट मैं इसके अंदर और डालूंगी, मैंने चखा है थोड़ा सा कम है। आप भी लास्ट में बिल्कुल एडजस्ट कीजिएगा अपने सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से।
ग्रेवी इसके अंदर मुझे थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी कॉर्नफ्लोर डालना है, तो मैं इसमें आधा कप पानी और डाल रही हूँ। एक जोश दे लेते हैं तेज आंच करके इसको। ये ऐसी डिश है कि इसके अंदर लास्ट तक आप नमक मिर्चें ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी और सॉल्ट भी। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो बताया है वही डालना है। एक अच्छा सा जोश आ गया है इसके अंदर, बिल्कुल सही ग्रेवी है इस वक्त जिस तरह की मुझे रखनी है। आपको अगर और ज़्यादा थिक रखनी है तो पानी मत ऐड कीजिएगा, अगर आपको और ज़्यादा वेट रखना है इसे तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसके अंदर एक कप जो है वो एक से डेढ़ कप केचप का यूज़ किया है, इसलिए इसमें शुगर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा सा थिक हो गया है। अब इसके बाद लास्ट में इसके अंदर हम थोड़ी सी ग्रीन अनियंस का ग्रीन पार्ट स्प्रिंकल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। ये हमारा चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। चिकन मंचूरियन बॉइल्ड राइस के साथ बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी डिश है, बहुत इजी और क्विक डिश भी है। आप घर में बनाइए, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को थम्स अप दीजिए। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग डिशेस की रिटन रेसिपीज मिलेंगी। उसके अलावा मेरा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।